शासन प्रशासन की लाख कवायद के बाद भी नौजवानों को नशे की लत लगाने वाले हुक्काबार अवैध रूप से चल रहे हैं, जिसकी सूचना के आधार पर शासन एवं पुलिस ने रात में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में छापेमारी की और दो हुक्काबार में से तकरीबन 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हुक्काबार संचालक भी है। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए अभियुक्तों में अधिकांश छात्र हैं। हालांकि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भी सभी अपने किए पर शर्मिंदा है, मगर इस तरह के हुक्काबार चलाने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी लाजमी है। देखिए, लगातार जो अवैध काम करने वाले लोग हैं, इलीगल काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ गाजियाबाद पुलिस अभियान चला रही है। और पीछे भी आपने देखा होगा, RDC में काफ़ी कार्रवाई इधर हुई और इंदिरापुरम में काफ़ी कार्रवाई हुई। उसी क्रम में एक ASP साहब ने और SDM ने, जो कंसर्निंग SDM है, उनके द्वारा छापेमारी की गई थी हुक्काबारों पर, और दो हुक्काबारों में इस तरह के अवैध चीज़ें चलती हुई मिली, जिसमें से 29 हुक्के इनके द्वारा बरामद किए गए और जो उसकी सामग्री थी जो उसमें पिलाई जाती थी बरामद की गई, और 19 लोग जो नवयुवक वहाँ पर थे जो इस तरह का सेवन कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और इस तरह के जो भी बार या स्पा सेंटर चलते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। और इसमें हमारे जो ADM साहब हैं और SDM साहब हैं, उनका भी अहम रोल इसके अंदर है और उनके द्वारा साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई इसमें की गई। उसके अंदर नवयुवक भी हैं और जो हुक्काबार वाले वो भी उसके अंदर हैं।